जादुई कंगन। एक गांव में एक गरीब किसान मोहन अपनी पत्नी सीता के साथ रहता था। खेती से जो कमाई होती वह उन पैसों में बड़ी मुश्किल से गुजारा करते थे। सर्दियों का मौसम था। लगता है इस साल भी फसल अच्छी नहीं होगी। क्यों चिंता करते हो, सब ठीक हो जाएगा। पता नहीं ऐसा कब तक चलेगा। मैंने इसी समय के लिए कुछ पैसे छुपा कर रखे थे। उन पैसों से ऊन ले आइए, मैं उनके कपड़े बनाकर बेचूंगी। मोहन जंगल के रास्ते शहर जाने के लिए निकलता है। इतने में एक आदमी मोहन से टकरा जाता है। वो आदमी घबराते हुए वहाँ से चला जाता है। उसके जाते ही मोहन देखता है कि वहाँ एक पोटली पड़ी है। लगता है ये पोटली उसी आदमी की है। अब कहाँ जाऊँ उसको खोजने को। चलो कल इसी टाइम आकर यहाँ दे जाऊंगा। तब जैसे ही अपने जेब में हाथ डालकर पैसे देखता है तो पता चलता है उसकी जेब फट गई है और पैसे कहीं गिर गए हैं। मोहन उदास होकर उस आदमी की पोटली लेकर वहीं से घर वापस चला जाता है। क्या बात है, आप तो बहुत जल्दी वापस आ गए। कहाँ है ऊन, मैं देखूँ तो। मैं ऊन नहीं लाया क्योंकि पैसे कहीं गिर गए और ये एक आदमी की पोटली है जो मुझे मिल गई रास्ते में गिरी हुई। हाय राम, अब क्या होगा, हम तो भूखे ही मर जाएंगे। ऐसे कैसे कर दिया आपने, और इस पोटली में क्या है, आप इसे घर क्यों ले आए। किसी के कंगन हैं, इन्हें कल मैं वापस कराऊंगा। तभी सीता पोटली खोलकर उनमें से कंगन निकाल लेती है। कंगन तो बहुत सुंदर है, बस थोड़े पुराने हैं। अजी मैं कंगन पहन लूं, जब आप वापस करने जाएंगे तो उतार दूंगी। चलो ठीक है, अब सो जाओ। अगले दिन सीता जंगल में लकड़ियाँ काटने जाती है और कुल्हाड़ी से एक बार मोटी डाली पर करती है। वह मोटी डाली बस एक बार में कटकर नीचे गिर जाती है। अरे ये कैसे हुआ, इतनी मोटी लकड़ी का पट्टा कट कैसे गया। इसे काटने में तो कम से कम 2-3 घंटे लगते हैं। सीता लकड़ी को इकट्ठा कर उठाकर ले आती है। यह लकड़ी के टुकड़े भारी क्यों नहीं लग रहे, लगता है ये कोई अलग पेड़ था जिसकी लकड़ियाँ बहुत हल्की हैं। सीता लकड़ियों को बेचकर उन पैसों से ऊन लेकर घर लौट आती है। सीता कपड़े बनाना शुरू करती है और फिर कुछ ही मिनटों में सारे कपड़े बनाकर तैयार हो जाते हैं। ये सब क्या हो रहा है, इन कपड़ों को बनाने में कई हफ्ते लग जाते थे, एक बार में कैसे सारे ऊन के कपड़े बन गए। उसी वक्त मोहन कमरे में आता है। अरे वाह, तुम इतनी जल्दी लकड़ी काट कर आ गई और कपड़े भी बना दिए। पता नहीं पर लगता है कि ये सब किसी जादू से हुआ है। पहले इतनी मोटी डाली बहुत आसानी से कट गई और मैंने वो डाली जब उठाई तो मुझे भारी भी नहीं लगी, और अब ये कपड़े इतनी जल्दी बन गए। जरूर ये सब जादुई कंगन की वजह से हो रहा है। वो सब तो ठीक है, लेकिन ये जादुई कंगन जिसके भी है मुझे उसको ये वापस करना है। सीता वो कंगन उतार देती है और मोहन उन कंगन को लेकर जंगल में जाता है, लेकिन वहाँ कोई आदमी नहीं मिलता। मोहन घर वापस आता है। सीता कंगन को दोबारा पहन लेती है। सीता कपड़े बनाकर बेचती गई और कुछ दिनों में ही एक घर बना लिया। ये देखकर पड़ोसियों को जलन होने लगती है। अरे ये मोहन इतनी जल्दी अमीर कैसे हुआ, चलो छुपकर देखते हैं। उस पड़ोसी ने कंगन का राज जान लिया और उसे चुराने के लिए मोहन के घर में घुस गया। जब मोहन और सीता सो रहे थे तब वो सीता के पास जाकर उस कंगन को उतारने की कोशिश करने लगा, और जैसे ही उसने कंगन को छुआ तो बहुत जोर का करंट का झटका लगा। ये कैसे हुआ, मुझे झटका कैसे लगा, चलो कोई नहीं आज तो मैं ये कंगन चुरा कर रहूंगा। तभी वो दोबारा कंगन हाथ से निकालने लगता है और इसमें कामयाब हो जाता है। कंगन को लेकर घर से बाहर निकल जाता है और जैसे ही कंगन को हाथ में लेकर देखने लगता है तभी वो कंगन अपने आप हवा में उड़ने लगते हैं, और हवा में उड़ते उड़ते अपना आकार बड़ा कर लेते हैं और उस पड़ोसी के ऊपर आकर गिर पड़ते हैं, और वो कंगन पड़ोसी के गले में जाकर फंस जाता है।
छोड़ दो मुझे, जाने दो, माफ कर दो मुझे, ये कैसा जादू है, बचाओ, बचाओ मुझे। पड़ोसी की आवाज सुनकर आसपास के लोग बाहर आ जाते हैं। तभी मोहन और सीता भी आते हैं। पड़ोसी भागते हुए मोहन के पास जाता है और अपने किए पर माफी मांगता है। मुझे माफ कर दो मोहन, मैंने तुम्हारे जादुई कंगन चुराने की कोशिश की, जिसके कारण मेरी ये हालत हो गई। सीता कंगन को जैसे ही हाथ लगाती है, वो पड़ोसी के गले से निकलकर उसके हाथ में आ जाते हैं और वो दोनों पड़ोसी को माफ कर देते हैं। लेकिन मोहन के पास जादुई कंगन है, इसका पता सबको लग जाता है। एक पुजारी मोहन के घर आते हैं। कुछ दिन पहले ही मंदिर से माता के गहने चोरी हुए थे, उनमें से ये जादुई कंगन भी एक है। इनमें माता की शक्ति है जो आपके पास है। मोहन और उसकी बीवी माँ के कंगन पंडित को लौटा देते हैं और खुशी खुशी मेहनत कर कमाने लगते हैं। रामपुर गांव में श्याम अपनी माँ के साथ अपने नानी के घर पर रहता था। श्याम की माँ दूसरों के खेतों में काम करके अपना जीवन यापन करती थी। श्याम एक दिन कुछ लड़कों के साथ कबड्डी खेल रहा था। अचानक एक लड़का से श्याम को झगड़ा हो गया। उस लड़के की माँ वहाँ आ गई और श्याम को सुनाने लगी। वाह रे वाह, देखो तो इसके मजाक, मेरे बेटे को बोलेगा गांव मेरा, घर मेरा, और तेवर तो देखो, ना बाप का पता ना घर का। आज के बाद कोई इसके साथ नहीं खेलेगा, दूसरे के घर में रहने वाला। श्याम ये सुनकर बिल्कुल चुप हो गया और सोचने लगा, उसके पिता कहाँ है, उसका घर कहाँ आया। घर आते ही वो अपने माँ के पास आया। माँ, पिताजी कहाँ है, हमारा घर कहाँ है। श्याम की माँ कुछ नहीं बोल रही थी। श्याम लगातार माँ से पूछ रहा था, क्या करना है तुझे, कोई जरूरत नहीं है सब जानने का। माँ, मुझे अपने घर जाना है, मेरे साथ यहाँ कोई नहीं खेलता है, सभी गांव वाले मुझे गंदी गंदी बातें बोलते हैं। श्याम की माँ ने सोचा, श्याम को सच्चाई बता ही देनी चाहिए। अरे अब चुप कर, हे हमारे पास अपना घर। श्याम की माँ श्याम को पुरानी बातें बताने लगी। आज से 15 साल पहले की बात है, जब तुम्हारा जन्म हुआ था। यहाँ से 60 किलोमीटर के दूरी पर गोकुलपुर नाम का गांव है, उसी गांव में आज भी अपना घर है। तुम्हारे पिता लकड़ी काटने का काम क्या करते थे, रोज जंगल से लकड़ी काटकर शाम तक घर लौटाया करते थे। एक दिन बहुत रात हो गई लेकिन वो नहीं आए। मैंने उनके साथ काम करने वाले लोगों से पूछा तो सबने बोला, आज तो तुम्हारा पति जल्दी ही निकल गया था। मैं रात भर उनका इंतजार करती रही मगर वो नहीं लौटे। सुबह होते ही मैं कुछ लोगों की मदद से जंगल की तरफ उनको ढूंढने निकली तो जंगल में कुछ ही दूर जाने पर एक पेड़ के पास उनका लाश मिला। उसी दिन सब कुछ खत्म हो गया था मगर मेरे भाई मुझे यहाँ ले आए। मैं अकेले वहाँ कैसे रह पाती। कुछ लोग का कहना है कि तुम्हारे पिता को जंगली चुड़ैल ने मार दिया। ये सारी बातें सुनने के बाद श्याम अपनी माँ से बोला, माँ अब हम लोग अपने गाँव अपने घर चलेंगे और वहीं रहेंगे। मगर वहाँ अपना कोई नहीं रहता और घर भी तो खाली परा परा टूट गया होगा, कैसे रहेंगे वहाँ। कुछ गांव वाले कहते हैं अपने घर में भूत और चुड़ैल का वास हो गया है, घर में भूत प्रेत रहने लगे हैं। हाँ, अभी कुछ दिन आप यहाँ रहिए, मैं अपने गांव कल ही जाऊँगा, घर की मरम्मत करवा कर आपको भी वहाँ ले जाऊँगा। ठीक है जाओ, मैं भी लोगों के तानों से परेशान हो चुकी हूँ। वहाँ घर के बगल में एक मोहन चाचा है, उनके पास जाना और मेरे बारे में बताना, वो तुम्हारी मदद करेंगे। श्याम अपने गांव के लिए निकल गया। कुछ घंटों बाद वो गांव पहुंचा, सभी से पूछता पूछता मोहन चाचा के घर आया। नमस्ते मोहन चाचा। बाबू, तुमको मैं नहीं पहचान सका, कहां से आए हो, क्या नाम है तुम्हारा। श्याम ने अपने पिताजी और माँ के बारे में उन्हें बताया। मोहन चाचा श्याम को पहचान गए। अच्छा अच्छा, तो तुम रामू के बेटे हो, बहुत ही अच्छा व्यक्ति था। तुम्हारी माँ कैसी है। माँ अच्छी है। चाचा, मैं यहाँ अपना घर देखने और घर की मरम्मत करवाने के लिए आया हूँ, अब यहीं रहूँगा। अरे
ये तो बहुत अच्छी बात है, क्यों नहीं, मैं जरूर तुम्हारे मदद करूंगा। मगर तुम अपने घर में कैसे रहोगे, उसमें तो भूत और चुड़ैलों का वास है। लोग शाम से ही तुम्हारे घर के आसपास जाना बंद कर देते हैं। आज तो शाम होने वाला है, कल सुबह मैं तुम्हें तुम्हारा घर दिखाऊंगा। शाम उस रात मोहन चाचा के घर ही रुक गया। सुबह होते ही शाम उठ गया और चाचा के साथ जाने को तैयार हो गया। शाम के चाचा आए और बोले, शाम तुम जाग गए हो, चलो सुबह सुबह तुमको पूरा गांव दिखाता हूँ और तुम्हारा घर भी। कुछ ही दूर चलने के बाद शाम का घर आ गया। मोहन चाचा बोले, शाम ये तुम्हारा घर है। शाम अपने घर को देखकर बहुत खुश हुआ। मोहन चाचा, मैं आज से ही घर का मरम्मत करवाना शुरू करना चाहता हूँ, फिर जल्दी ही अपनी माँ को यहाँ ले आऊंगा। ये कहकर शाम घर के खंडर में अंदर जाने लगा, तभी अचानक 2-4 ईंट ऊपर से धराम धराम गिरा। शाम जल्दी घर से बाहर भागा। शाम कुछ मजदूर के साथ घर की मरम्मत करवाना शुरू कर दिया। दिन भर काम करता और रात में मोहन चाचा के घर पर सो जाता। कुल 8 दिन मरम्मत करवाने में लगा। घर बहुत अच्छा बन गया था, देखने में भी बहुत सुंदर लग रहा था। मोहन चाचा, आज अंतिम दिन आपके घर पर सो जाता हूँ, कल से अपने घर पर सोऊंगा और 2-3 दिनों में माँ को भी ले आऊंगा। कल सुबह हुआ तो शाम मोहन चाचा के साथ अपने घर पर गया। वहाँ आकर उसने सामान और सोने के लिए बिस्तर लगाया। शाम होने से पहले मोहन चाचा अपने घर पर आ गए। मोहन चाचा ने जाने से पहले एक बार और शाम को बोला था कि अकेले मत सो इस घर में। आखिर कब तक घर छोड़कर भागता फिरूं? अब यहाँ ही रहूंगा। शाम को नींद आ गया और 9 बजे रात में शाम की नींद खुली। उसने देखा उसके चारों तरफ भूत और चुड़ैल उसे घेर कर बैठे हुए हैं। उन्हें देखकर शाम बहुत डर गया। सारे भूत और चुड़ैल मिलकर शाम को अपनी उंगलियों और दांतों से नोचने लगे। शाम जोर जोर से चिल्लाने लगा, मुझे छोड़ दो, बचाओ बचाओ। एक चुड़ैल गुस्से से शाम को बोली, आज हम लोग तुमको खाकर अपनी भूत मिटाएंगे। शाम सोचा, कुछ तो करना होगा वरना मुझे ये सारे चुड़ैल मिलके कच्चा ही चबा कर खा जाएंगे। सुनो सुनो, तुम लोग मुझे खा जाना, मगर कल खाना, आज छोड़ दो, कल मेरे 2 दोस्त आने वाले हैं। भूतनी सोची कि ये सही है, कल 3-3 इंसानी बच्चा खाने को मिलेगा। ठीक है, मगर कल नहीं छोड़ूंगी तुमको, खा जाऊंगी। हाँ ठीक है। शाम को भूख लगी थी, इसलिए उसने कुछ बनाने का सोचा। आओ आओ, तुम लोग यहाँ मेरे पास बैठो, मैं खिचड़ी बनाने जा रहा हूँ, तुम लोगों को भी खिलाऊंगा, आ जाओ बैठो। शाम जैसे ही चूल्हा में आग जलाया, सभी चूल्हे से दूर भागने लगे और बोले, ये मत करो, आग मत जलाओ, हमारा दाम घुट रहा है। शाम समझ गया कि इन सबको आग से डर लगता है। शाम खिचड़ी बनाया और खाकर सोने लगा, लेकिन उसे जरा भी नींद नहीं आई। सुबह 4 बजे उसे नींद आई। वो सुबह देर तक सोता रहा। मोहन चाचा और गांव वाले समझे कि रात में श्याम ही चिल्ला रहा था, शायद भूतों ने मिलके शाम को मार दिया होगा। मगर जब सब घर के अंदर आए तो उन्होंने देखा शाम अभी तक सो रहा था। अरे शाम, उठो उठो, सवेरा कब का हो गया और तुम अभी तक सो रहे हो। शाम अचानक उठा और उठकर बैठ गया। मोहन चाचा के घर पर गया, वहाँ जाकर सारी कहानी सबको बताया। सबका डर के मारे हालत खराब हो गया। आज मत जाओ वहाँ सोने, आज तुमको नहीं छोड़ेगा, सब तुम्हें खा जाएंगे। मगर शाम नहीं माना। शाम आज शाम से ही अपने चूल्हे में आग और घर के हर कोने कोने में आग जला रखा था। जब आधी रात हुई तभी सारे भूत और चुड़ैल आए। जैसे ही वो अंदर आए, आग के गर्मी के कारण दरवाजा के बाहर भाग गए। भूतनी बाहर से बोली, आज तुमको नहीं छोड़ूंगी, खा जाऊंगी, और दोस्त कहाँ है तुम्हारे?
आज मेरा दोस्त नहीं आया है, कल जरूर आएगा। आज क्या मुझे खाओगे, पेट भी नहीं भरेगा। तुम लोग कल तीन तीन आदमी को एक साथ खाना, सबका पेट भर जाएगा। अच्छा, तुम लोग दिन में कहाँ चले जाते हो? दिन में भी मेरे साथ रहो। दिन में बहुत लड़के आते जाते रहते हैं, घर के पास से रोज एक को खा जाना। सभी भूत और चुड़ैल घर के बाहर ही बैठ गए। दिन में रोशनी रहती है, इसलिए हम लोग मायावी नगर चले जाते हैं। हमें अंधेरा पसंद है। मायावी नगर? मायावी नगर कहाँ है? वहाँ कौन कौन रहता है तुम्हें पता है? मुझे ज्यादा मत बोल, मुझे सब पता है। वहाँ बड़े से बड़े मायावी शैतान, जैकल और सब कुछ जानने वाले महामंगा रहते हैं, जो सब कुछ जानते हैं और हम आत्माओं को इंसानों की सारी जानकारी देते हैं। समझे बच्चे? हाँ, मैं तुम लोगों के लिए अपने दोस्त को कल बुलाऊंगा। सबको खा जाना, मगर सब कुछ जानने वाले महामंगा से पूछ के आना। मेरा जीवन काल कितना दिन तक है, अगर पूछ के नहीं आए तो दोस्त को नहीं बुलाऊंगा। ठीक है, मगर कल आग और रोशनी नहीं फैलाना, अंधेरा रखना और दोस्तों को बुलाकर रखना, वरना तुमको अकेला ही खा जाएंगे। सुबह उठते ही शाम बहुत सारे लकड़ी को जमा किया और कोने कोने में रख दिया रात में आग जलाने के लिए। जैसे ही रात हुई उसने सारे कोने में आग जला दिया। अब चारों तरफ रोशनी ही रोशनी हो गई। एक बजे रात में भूत भूतनी और खतरनाक चुड़ैल एक साथ आई और जोर जोर से हंसने लगी और बोली, कहाँ हो, बाहर निकलो, आज तुम्हारे दोस्त आए हैं या नहीं, आज हम लोग तुम्हें जरूर खा जाएंगे। शाम भी इनके इंतजार में ही बैठा था। शाम दरवाजे के सामने आकर बोला, पहले ये बताओ मेरा जीवन काल पूछ के आए हो, कितना दिन और बचा है? इंसानी बच्चे, तुम्हारी जीवन काल पूरे 96 साल की है, मगर तुमको हमसे कोई नहीं बचा पाएगा। शाम 96 साल सुनते ही खुश हो गया। अब उसे उन लोगों से बिल्कुल डर नहीं लग रहा था। वो सोचा, अगर मेरा 96 साल का जीवन काल है तो ये भूतने मुझे क्या मारेगी। शाम आग की चिंगारी से लहलहाती लकड़ी दोनों हाथों में उठाया और लहलहाती लकड़ी से उन सभी को भगा भगा के मारने लगा। सभी डरकर अंत में वहाँ से भाग गए। शाम अपने माँ के पास गया और माँ को बुलाकर अपने घर ले आया। वो भूत भूतनी और चुड़ैल डरकर वापस लौटकर नहीं आए। शाम खुशी खुशी अपने माँ के साथ उसी घर में रहने लगा।